गाइस तो आज हम करने वाले हैं वर्ड सावित्री स्पेशल मेकअप लुक तो सबसे पहले मैं अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लूंगी तो उसके लिए मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया एंड देन टोनर यूज किया है जो कि गुड वाइब्स का होने वाला है और इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी जो कि फ्यूमिको से आई थिंक मुझे लगता है कि ये मुझे पी में रिसीव हुआ था जेल फॉमूला है इसका तो बहुत ही अच्छे से स्किन में ये सिंक हो जाता है और मॉइस्चराइज करता है काफी हद तक एंड देन इसके बाद में मैं, मैं यूज करूंगी प्राइमर सॉरी सबसे पहले लिप बाम लगा लेंगे क्योंकि होटो को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बस इसके बाद फिर प्राइमर लगाएंगे कलर बार का ले रही हूँ ये प्राइमर मेरा फेवरेट है बहुत ही अच्छे से मतलब छोटे अमाउंट में ही लेना है बहुत लिटल अमाउंट में एंड देन इसके बाद में अच्छे से स्किन पर एक बेस क्रिएट करेंगे प्राइमर की हेल्प से एंड देन इसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी जो कि होने वाला है एल ए गर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन एच डी फाउंडेशन ये बहुत ही फुल कवरेज देता है और लगाने के बाद में आप देखना अभी इसकी कवरेज बहुत ही धांसू वाली मतलब स्किन ना फीस uh, आपका लगेगा एकदम से अचानक से नहीं होता है ग्लो भी हो जाता है तो उस तरीके से जो है ये ग्लो प्रोवाइड करता है पूरे चेहरे पे आप देख सकते हो तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी इसको आ, इसकी हेल्प से ब्लेंडर की हेल्प से एंड देन कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ फॉर एवर का ये कंसीलर थोड़ा सा कॉस्टली है ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एलेगल मैंने फाउंडेशन यूज़ किया कंसीलर फिफ्टी टू का है तो ये ना लाइक uh, like, थोड़े कॉस्टली आते हैं बट कवरेज ये आपको फुल देते हैं बहुत ही अच्छा देते हैं एंड देन इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा कॉन्टोर के लिए ये एन एम आई का ये कंटोर है स्टिक ये मैंने यूज़ किया है लूज किया सो so, आम, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी इसी की हेल्प से ब्लेंडर की हेल्प से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी मैंने लगाया है वहाँ वहाँ आप भी लगा लेना इसी तरीके से एंड देन इसके बाद में आईज़ पे मैं डालूंगी ये वाला कलर मतलब ये भी एन वाई बे का ये शेडो पैलेट आई शेडो पैलेट है छोटा ही है नाइन के उसमें आता है लाइक शेड्स आते हैं नाइन शेड्स इसमें और इसमें से मैंने जस्ट पिंक कलर पिक किया है और हल्का हल्का सा आउटर कॉर्नर्स में ना डार्क पिंक टाइप काइंड ऑफ था मतलब मुझे लगता है ब्राउन कलर था तो उसको मैंने लगाया एंड देन बीच में जो है एसक्यू का ये बॉडी ग्लिटर है uh, ये आप अपने फाउंडेशन में मिला के लगा सकते हो अगर आपको रात में कोई लाइक uh, like, uh, अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाना है तो एंड देन आईज पे भी आप यूज़ कर सकते हो तो इस तरीके से मैंने यूज़ कर लिया ब्रश के हल से मिला लिया है एंड देन ब्राउज़ के लिए मैंने ना ये शुगर का लिया है ब्राउ पेंसिल बहुत ही अमेजिंग है गाइज़ मतलब लगाने के बाद में तो मुझे इतना मज़ा आया ना इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे कर रही थी इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना हाई रिकमेंड कर रही हूँ काफ़ी प्यारा है एंड देन माई ग्लैम से ये मैंने वन हाईलाइटर पैलेट था इसमें से मैंने जस्ट पहले तो कॉन्टो के हल्का हल्का सा ब्राउन वाला शेड लिया था एंड देन इसके अपने में लॉरियल पैलेस का ये मैंने लिया है पाउडर जो कि कॉम्पैक्ट पाउडर है काफ़ी अमेजिंग है गाइज मतलब इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वाओ मज़ा ही आ गया उसको लगाने के बाद में ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही लगा रही थी शेड uh, मुझे लगता है ये ज़ीरो था तो काफ़ी अच्छे अच्छे लिनन करके कोई शेड है लाइट लिनन हाँ ये वाला शेड है एंड देन इसके बाद मैं उसी ग्लैम से ही मैंने यहाँ पे हाईलाइटर लिया है अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी सारे मतलब जहाँ जहाँ भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं और ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लैंड कर लेंगे बस एकदम से बहुत ही अच्छा सा एक ना बेस बन गया था आप देख सकते हो इसके बाद में एक, मैंने क्रेज़ आई लिया है आईस इसमें दोबारा आऊँगी तो ये देख सकते हो ना एक स्टैम्प मिलता है आपको ड्यूअल है मतलब एक साइड स्टैम्प मिलता है एक साइड आपको लाइनर मिलता है तो अच्छे से आप इसको लगा सकते हो जिनको भी मतलब विंग वगैरह निकाल मुझे लगा था ना मुझे इस लुक में विंग ज़रूरी है निकालना क्योंकि काफ़ी सुंदर लुक आया था आप देखना अभी जब फुल लुक में आप देखोगे ना मज़ा ही आ जाएगा आपको देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया मस्कारा जो कि आई थिंक हाँ कलरबार का है मेरा फेवरेट है तो ये भी ड्यूअल आपको ब्रश मिल जाता है इसमें बहुत ही अमेजिंग है ये भी पाँच छः सौ के अंदर में आता है एंड देन इसके अंदर काजल लगाया हिमालय का इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी बहुत ही मोटा सा थिक सा काजल होता है ना वही मैंने लगाया है ऊपर नीचे मतलब वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया एंड देन फिक्सर लगाया है जो कि पता नहीं किस ब्रांड का फिक्सर है मुझे नहीं है फेस स्कैनडा यस एंड देन शुगर की लिपस्टिक लगाइए जो कि ड्रॉप डेड रेड ये शेड नंबर टेन है बहुत ही खूबसूरत शेड है guys. मैं चाहती ना तो साड़ी से मैच करता हुआ शेड मुझे लगता था मुझे लग रहा था कि मैं प्लम शेड कुछ ऐसा काइंड ऑफ मजिंटा वगैरह लगाऊंगी बट रेड मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा देन मैंने लगा लिया अप्लाई कर लिया एंड देन इसके बाद में बिंदी लगा लिए बिल्कुल प्लेन वाले जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है यह मैंने लगा लिया एंड देन सिंदूर तो मुझे पूरी मांग भरनी थी आज क्योंकि वर्ड सावित्री लुक जो है ना उस दिन हम सोलह श्रृंगार करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है और मांग पूरी भर लो ना तो अमेजिंग लुक आता है आप चाहो तो अगर मां का वगैरह ना भी पहनो तो बहुत सुंदर लगेगा सिंपल सा सोवर सा लुक एंड देन चूड़िया आप देख सकते हैं बैंगल्स तो आप पसंद करते ही करते हो तो आप देख सकते हो बैंगल्स किस तरीके से मैंने यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके पहन लिया है ज्वेलरी की बात आती है अच्छा हाँ ज्वेलरी वगैरह मैं आपको बता देती हूँ ज्वेलरी वगैरह सब मैंने अमेजोन से मंगवाया है तो अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में दे, दे दूँगी आप चेक कर लेना क्योंकि साड़ी जो है बहुत प्यारी सी है सिल्क की साड़ी आप देख रहे हो एंड देन ज्वेलरी भी अमेज़ॉन से मंगवाई है आई थिंक फाइव टू सिक्स के रेंज में है और इस तरीके से मैंने हाँ आप जो ये मैं लगा रही हूँ ना चेन ऊपर ये मैं मैंने मतलब मेरी तरफ से लगाया है बाकी ज्वेलरी जो कान का है ना वो मतलब ज्वेलरी में था एंड देन इसके अंदर मांगटिका जो है ऑलरेडी मेरे पास था तो ये मैंने पहन लिया इसके साथ भी एक आया था अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो उतना अच्छा नहीं था इसलिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया एंड देन नथ जो है ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था एक तो क्योंकि मिक्स एंड मैच करना था मुझे इसके सारी मतलब पूरे आउटफिट के साथ में तो ये बहुत अच्छा जा रहा था इस पूरे लुक के साथ में आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना और गजरा वगैरह हेयर स्टाइल मैंने पहले ही कर लिया था जैसे कि मैंने बम बन बनाया था सिंपल सा और मांगटी मैंने दिखा ना वही मांगटी का है देन इसके बाद में आप देख सकते हैं लुक हो चुका है कंप्लीट तो कैसा लगा बहुत छोटे में मैंने आपके साथ में शेयर किया है ज्यादा लंबी वीडियो नहीं की है क्योंकि जितना छोटा रहेगा उतना आपको मज़ा आ जाएगा अब पूरी, पूरा लुक आप देख सकते हो साड़ी का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है ये जो है, ये जो साड़ी है मैंने अमेजो से मंगवाई है सिक्सटी समथिंग में ये साड़ी होने वाली है आप देखेंगे टैसल्स कितने अच्छे लटक रहे हैं साड़ी में बहुत ही प्यारी साड़ी है पहनने के बाद एकदम लाइट वेट है और एकदम बनारसी सिल्क लुक आता है बहुत ही सुंदर ये साड़ी है अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना एंड देन ब्लाउज है ये आपको ब्लाउज ब्लाउज दिखा रही हूं तो इस तरीके का ब्लाउज आपको रिसीव हो जाता है इस साड़ी के साथ में देन ये हो गया ऑनलाइन